वेलकम टू माई चैनल गोपाल ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ दिल्ली के जू में, नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। दिल्ली में एक ही जू है तो आज हम वहीं जा रहे हैं। हम लोग मेट्रो से आए थे। अगर आप लोगों को मेट्रो से आना है तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन आ जाइए। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर ऑटो भी कर सकते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है और हम लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बचा हुआ था। 12:30 का स्लॉट हमने बुक किया था, 12:30 से 4:30 का, तो अभी 12:30 नहीं बजे, 11:30 बज रहा है। तो अब इसीलिए हम लोग आराम से पैदल पैदल जा रहे हैं। बाकी जितने भी डिटेल्स है वहाँ का, कितने बजे आना है और क्या क्या वहाँ पे देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। जू में एंट्री करने से पहले ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबे दिख जाएंगे। कुछ खाना हो तो आप बाहर से ही खा के उसके बाद एंट्री कर सकते हैं। जू के अंदर बैग अलाउ नहीं होगा तो 5 रुपए का एक टिकट लेना पड़ेगा बैग जमा करने के लिए। तो गाइस हम लोगों ने टिकट ले लिया था ऑनलाइन, तो अभी सिर्फ हमें एंट्री करना है। और आपको अगर ऑनलाइन टिकट बुक करना है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं वो भी आप लोगों को दे दूंगा। अगर आपको यहाँ पे आकर टिकट बुक करना है तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड दिया गया है, इसको देखकर भी आप आराम से टिकट बुक कर सकते हैं। चिड़ियाघर प्रत्येक शुक्रवार 26 जनवरी और 15 अगस्त को बंद रहता है। अब चलिए जू के अंदर चलते हैं। गाइस अंदर एंट्री करेंगे तो इस तरह का नज़ारा होगा। यहाँ से हमने एंट्री की है और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है आज, अंकित नौटियाल। तो गाइस एंट्री करते इस तरह का आई लव दिल्ली जू लिखा होगा, आप यहाँ पे आगे फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब हम आगे एनिमल्स देखने जा रहे हैं। वेलकम टू दिल्ली जू। इस जू में कौन सा एनिमल और बर्ड्स आप देखेंगे वो आप इस बोर्ड को देखकर समझ सकते हैं। किस तरफ कौन सा एनिमल और बर्ड्स है वो भी आप इस बोर्ड को देखकर समझ सकते हैं। पहला जो एनिमल हम देखेंगे वो है ब्लैक डक। ज़्यादा जानकारी के लिए उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बुकली कैसे कर रही है वो, कैसे? अगर आपको चलना पसंद नहीं है तो जू के अंदर एंट्री करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे ई रिक्शा दिख जाएंगे और इन ई रिक्शा को बुक करने का काउंटर भी दिख जाएगा। इसी काउंटर से आपको ई रिक्शा बुक करना है। एडल्ट के लिए चार्ज 70 रुपीज है, किड्स के लिए 30 रुपीज है। अगर आपको पूरा ई रिक्शा बुक करना है तो 8 सीटर 400 रुपीज और 14 सीटर 800 में आप बुक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रोजी पेलिकन। इनके लिए फिश आ चुका है, लगता है सही टाइम पे आए हैं, इनको खाते हुए हम देख सकते हैं। अरे कितनी ऑसम है यार। ये है वाटर बर्ड। रोजी पेलिकन और वाटर बर्ड दोनों आपको एक जगह ही देखने को मिल जाएगा। अगला जानवर हम देखेंगे तेंदुआ लेपर्ड। इस जू के अंदर आप जैगुआर भी देख पाएंगे जो दिखने में लगभग लगभग तेंदुए जैसा ही लगता है, साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। हम जब उसको देखने गए थे तब वो लेटा हुआ था तो वीडियो हम ठीक से बना नहीं पाए, इसीलिए मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ। अगला जानवर है स्मॉल मैमल्स, छोटा स्तनधारी। जू के अंदर बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शन बोर्ड और मैप्स दिख जाएंगे ताकि आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। तो मध्य भारत का तृणभक्षी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी दूर दूर है। यहाँ पे नीलगाय हिरन टाइप है, इनको मध्यकालीन मध्य भारत के तृणभक्षी भी बोला जाता है। अगला जानवर है गौर। ये दुनिया का सबसे बड़ा गाय है जो विलुप्त होने के कगार पर आ चुका है। एक बंदा चिड़ियाघर के अंदर गिर गया था शेर के सामने, तो वो इसी चिड़ियाघर में गिरा था। एक बाघ है। अच्छा अगला जानवर है बंगाल टाइगर। ये स्टेबल कंडीशन में बैठा हुआ था, कहीं हिल नहीं रहा था तो हम इसका वीडियो इतना ही शूट कर पाए। अगला जानवर है कोरकोडाइल। कोरकोडाइल के इस जू में बहुत सारे स्पीसीज है जिनमें से कुछ को ही मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। अगर सबको मैं कवर करने लग गया फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पेज को फॉलो ज़रूर कर ले। हमारा अगला जानवर है हिप्पोपोटामस। दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा
ये लेट गया तो कैसे ले आया ये? ओ ये देखिए देख, मुंडी नीचे कर ली, सांस भी नहीं फूल दूंगा। इस जू में वानर अटैक बहुत ज्यादा होता है, तो अपने मोबाइल को बचा के रखना, कब छिन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। हमारा अगला जानवर है इंडियन एलिफेंट। इस जू में इंडियन और अफ्रीकन दो प्रकार के एलिफेंट को रखा गया है। अभी जो आप देख रहे हो ये इंडियन एलिफेंट है। अगला जानवर है अफ्रीकन एलिफेंट। इसका साइज थोड़ा सा इंडियन एलिफेंट से बड़ा होता है। तो गाइस, हाथी को रखने के लिए जो घर होता है वो भी आप देख लो, ये इतना ऊंचा ऊंचा घर होता है। अगला जानवर है पॉक्यूपाइन शाही, शिजारू नाम से भी जाना जाता है। इसके पूरे शरीर में कांटे होते हैं। दोनों सो रहे हैं। अगला जानवर है वर्न आउल। इसके अंदर कुछ दिख भी रहा है? एक ऊपर भी है। अगला जानवर है ब्राह्मणी काइट। व्हाइट पीकॉक। मुंडी कमाले। गाइज, इस जू में पैरेट के भी बहुत सारे स्पीसीज है, मैं उन सभी को एक ही में काउंट कर रहा हूँ। बाकी वीडियो में आप देख पाएंगे सभी को, मैं वीडियो में तो ले रहा हूँ बट उसको काउंट मैं एक ही में कर रहा हूँ। अफ्रीकन ग्रे पैरेट। ब्लू येलो मकाओ। अब आप देखेंगे एडवर्ड फिजेंट्स फैमिली को, जो कि मुंह घुमा के बैठा हुआ है। ये सब हमने नहीं देखा था, वो अंदर आप सिल्वर फिजेंट देख सकते हैं और बाकी आगे बढ़ते हैं। ये सारे सिल्वर फिजेंट ही है। पूरे फिजेंट फैमिली को भी मैं एक ही नंबर में काउंट कर रहा हूँ। ये इसमें है नहीं, वो दूर दूर है ना। अगला जानवर है वेयर आइट काकेटू, या केरला के नाम से भी जाना जाता है। काफी नटखट होता है और बहुत जल्दी ही सीख जाता है हर चीज। अगला जानवर है रेड जंगल फाउल, जो कि अंदर हमें नहीं मिला। अब हम देखेंगे इंडियन राइनोसेरस। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं जू कितने बजे ओपन होता है। जू 8:30 बजे ओपन हो जाता है और 4:30 बजे तक ओपन रहता है। गाइस, यहां पे आप पार्किंग चार्जेस देख सकते हैं, टू व्हीलर के लिए 30 और फोर व्हीलर के लिए 50 है। तो गाइस, अब हम देखेंगे हिमालयन ब्लैक बियर। पूरी दुनिया में गोरल के 4 प्रजाति पाई जाती है। अभी जो आप देख रहे हो ये हिमालयन गोरल है, जिसे आप दिल्ली जू में आकर देख सकते हैं। दिल्ली जू में आप वाइट डियर भी देख पाएंगे और इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब आप देखेंगे एशियाई लायन। तीन शेर है, मतलब शेर नहीं है, ऊपर शायद एक शेर है, दो शेर नहीं है। क्या काम है? यह है शुतुरमुर्ग। तो गाइस, ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है। इमू शुतुरमुर्ग के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पक्षी इमू है, जो उड़ नहीं सकता। दोस्तों, दिल्ली जू में जो वुल्फ है, इसको कैनेडी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य माना जाता है। दिल्ली जू में मोबाइल और कैमरा दोनों अलाउ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब गाइस, आपको लेकर चलते हैं रेप्टाइल हाउस में। गाइस, रेप्टाइल हाउस में आप इंडियन रॉक पाइथन, टर्टल्स, कोबरा और कई प्रकार के सांप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं जू का टिकट कैसे बुक करें। तो सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पे nzpnewdelhi.government.in।
जैसे आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको ये वाला कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट नाम डालना है, उसके बाद लास्ट नाम डालना है, उसके बाद अपना जेंडर, उसके बाद एज, उसके बाद अपना ईमेल डालना है। ईमेल डाल के आपको कंटिन्यू टू बुकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेट और टाइमिंग चूज कर लेना है। डेट आपको दो दिखाएगा, एक उसी दिन का जिस दिन आप बुक करें, उसके बाद वाले दिन का भी डेट इसमें दिखाएगा। तो इन दोनों में से कोई आपको चूज करना है। उसी दिन का मैं दिखा देता हूँ, जैसे उस दिन का मैंने डेट चूज कर लिया। उसके बाद टाइमिंग मैं 11 से 12:30 का स्लॉट चूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे चार्जेस देख लीजिए, एडल्ट के लिए है 80 रुपीज़, चाइल्ड के लिए है 40 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन के लिए भी 40 है। ये सब भरने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बिल पे करना है। बिल पे करते ही आपके पास एक लिंक आ जाएगा, वहाँ से आपको टिकट डाउनलोड कर लेना, जो कुछ इस तरह का होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट आने के बाद वहाँ से ऑटो किराया करके आना चाहते हैं तो 10 रुपये लेगा ऑटो वाला आपसे। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो 5 रुपये किराया लगेगा। ऊपर आप बस नंबर देख सकते हैं, इतने सारे बसें यहाँ पे आती है। जू नाम से ही बस स्टॉप है। दिल्ली जू से नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। वहीं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होगा। तो गाइस अपन लोग अब घर जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनको देखते हैं, फिर घर की तरफ निकल लेते हैं। जू बहुत ज़्यादा बड़ा है, अभी भी बहुत कुछ रह गया है, बट हम उसको कवर करने नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो गाइस होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना दोस्तों, क्योंकि मैं ट्रैवल एंड टूरिस्ट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।